डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में कि समजातीय श्रेणी, उसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु रहेगा आज का कार्बन परमाणु का वर्गीकरण, यानी कार्बन का वर्गीकरण टॉपिक है आज का कार्बन का वर्गीकरण। कार्बन का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से किया जाता है। कार्बन का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। कार्बन का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है? चार प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सी चार प्रकारों की बात करेंगे यहां से? 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु, 3 डिग्री कार्बन परमाणु और 4 डिग्री कार्बन परमाणु। तो यहां से पहली बात कर लेते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु, जिसे कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन परमाणु। ऐसे ही यहां पे बात करेंगे नंबर 2 पे द्वितीयक कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु। नंबर 3 में बात करेंगे तृतीयक कार्बन परमाणु, 3 डिग्री कार्बन परमाणु। और नंबर 4 पे बात करेंगे चतुष्क कार्बन परमाणु, 4 डिग्री कार्बन। यानी कार्बन परमाणु का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से करेंगे। प्राथमिक कार्बन परमाणु जिसे 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन परमाणु 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु को 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, चतुष्क कार्बन परमाणु को 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। यानी सिंपल सी तौर पे बात करें तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाएगी कि कार्बनिक किसी भी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु है वो जितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो कार्बन परमाणु जो अन्य जितने भी कार्बन परमाणु से टच करता है या जुड़ता है वो उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाता है। देखें, मैंने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट में बात की है, यहां से प्राथमिक कार्बन परमाणु फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, इसका नाम होता है एथेन। अब एथेन के अंदर ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाएगा। तो देखो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो कार्बन परमाणु, ये कार्बनिक यौगिक कौन है यहाँ पे? एथेन। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन तो एक से ही जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन कैसे कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु कितने से जुड़ रहा है? एक से। ये कितने डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। तो क्लियर है। ऐसे ही नंबर सेकंड की बात करूं द्वितीयक कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन एटम बोल सकते हैं, इसका मतलब मैंने यहां से लिखा CH3CH2CH3, इसका मतलब होता है प्रोपेन। अब देखो यहां से प्रोपेन में ये कार्बन परमाणु जो है ये इसी से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन परमाणु कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। इसी प्रकार से इसको देखें, ये कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब ये एक से ही जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा कार्बन परमाणु कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। लेकिन बीच वाला मिड वाला ये कार्बन परमाणु देखो इधर से टच है और इधर से भी, इसका मतलब दो कार्बन परमाणु से टच है, तो कार्बन परमाणु कैसे कहलाएगा? यहाँ से 2 डिग्री कार्बन परमाणु। परिभाषा क्या बन जाएगी यहाँ से? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु जो अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है? द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार से थर्ड में बात करते हैं तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु में क्या होता है?
CH3, 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 CH3 कार्बनिक यौगिक है आइसोब्यूटेन। इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होता है? आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन के अंदर देखो सर, ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये 1, 2, 3 तीन कार्बन परमाणु से जुड़ने के कारण ये कैसा कार्बन परमाणु कहलाता है? 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। ये कार्बन परमाणु इससे ही जुड़ रहा है, इन दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब ये कार्बन परमाणु कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक से ही जुड़ रहा है, तो ये कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। तो ये कार्बन एक से जुड़ रहा है, तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, तीन कार्बन परमाणु से जुड़ने के कारण कैसा कार्बन कहलाता है? 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तो वह कार्बन परमाणु जो अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? तृतीय कार्बन परमाणु कहलाता है। ऐसे ही नेक्स्ट में बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे चतुष्क कार्बन परमाणु। चतुष्क कार्बन परमाणु, इसका मतलब मैंने यहां से एग्जांपल लिखा नियोपेंटेन के रूप में CH3, CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे CH3। इस यौगिक का नाम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखो नियोपेंटेन में ये जो सेंटर का जो कार्बन परमाणु है, देखो इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी और इससे भी। कितने कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं? 4 से जुड़ रहे हैं, तो कैसा कार्बन परमाणु कहलाता है? 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है, यानी कि चतुष्क कार्बन परमाणु। परिभाषा बन जाएगी कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है? 4 डिग्री कार्बन परमाणु या चतुष्क कार्बन परमाणु कहलाता है। इसके अलावा देखो ये कार्बन इससे एक से जुड़ रहा है, तो इसको ये अपने आप में कैसा कार्बन है? 1 डिग्री। ये भी एक से जुड़ रहा है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? 1 डिग्री। तो ये भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु। तो यानी कि कार्बनिक यौगिक को जो वर्गीकरण है इस प्रकार से अपन 4 प्रकार से कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु। तो सिंपल से समझने के लिए कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कोई भी कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ेगा वो उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाएगा। समझने के लिए देखो यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कोई चैन है ये वाले, इस चैन के अंदर देखो इन कार्बन, इस चैन में ये बताना है कि कौन सा कार्बन परमाणु कितने डिग्री का कार्बन परमाणु है। देखो मैंने कार्बनिक यौगिक में कोई भी कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ जाए उसको उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कह सकते हैं। देखो ये कार्बन है एक से जुड़ रहे, तो इसका मतलब ये कैसा है? 1 डिग्री। ये कार्बन इधर से जुड़ रहा है, इधर से, इसका मतलब ये कैसा है? 2 डिग्री। ये कार्बन इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी, ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री। ये कार्बन इधर एक से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये यहाँ से एक से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ एक से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ से एक से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यहाँ से ये वाला कार्बन 1, 2, 3 तीन से जुड़ने के कारण कैसा कार्बन कहलाता है? 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो अन्य जितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है वह उतने ही डिग्री का कार्बन परमाणु कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।